दिल्ली में फैले प्रदूषण के बहाने केजरीवाल पर गौतम गंभीर का हमला। प्रदूषण को लेकर गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर क्या आरोप लगाए हैं? राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। जैसे तैसे सर्दी बढ़ रही है, हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने वाले मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया है। शायराना अंदाज में लिखे अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दर्दे दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भगाया आपने। हमारी पीढ़ियां आपके झूठे वादों के कारण धुएं में जा रही है। डेंगू और प्रदूषण को काबू करने के लिए आपके पास पूरा एक साल का समय था, लेकिन दुख की बात है कि आपने दोनों में से किसी को कंट्रोल नहीं किया। अब भी जग जाइए। गंभीर ने अपने ट्वीट के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी टैग किया है। इतना नहीं, उन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ जामा मस्जिद इलाके की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें धुंध छाई हुई नजर आ रही है। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं जब गौतम गंभीर ने किसी भी मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी हो। इससे पहले उन्होंने मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, चाहे शहीदों का अपमान का मुद्दा हो या देश की किसी बेटी के साथ दुर्व्यवहार का, वो हर अहम मसले पर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। साथ ही अपने फाउंडेशन के जरिए सामाजिक कामों में काफी आगे रहते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।